स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास इलेवन दिस इज पूनम योर मैथ टीचर आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज है हमारे पास सेवन पॉइंट फोर तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोला है अ बैग कंटेंस फाइव ब्लैक एंड सिक्स रेड बॉल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक एंड थ्री रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड ओके इसमें आपको कॉम्बिनेशन ही लगेगा ये बात मैं आपको बता चुकी जब भी हम किसी ज़्यादा चीज़ में से कम चीज़ का कुछ सिलेक्शन वाली बात करते हैं वहाँ पे हमेशा हमारा कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मुला लगता है अ बैग कंटेन फाइव ब्लैक बॉल्स एंड सिक्स मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करती हूँ कि इसमें परमोटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन क्योंकि अभी तो आपके पास फिलहाल ये जो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर में है हमने इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन के ही करे बट आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि ये आ, कहीं पर आपको ये मेंशन होगा कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ पे आपके मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहचानना जरूरी होगा इस चीज़ को कि हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं ओके okay? तो इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि कॉम्बिनेशन की पहचान आप किस तरीके से करोगे ये मैं आपको समझा चुकी हूँ हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला है अ बैग कंटेन फाइव ब्लैक बॉल एंड सिक्स रेड बॉल एक बैग में पाँच ब्लैक और छः रेड बॉल है आपने डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक एंड थ्री रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड आपको मतलब नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें आपको जो सिलेक्शन करना है वो दो ब्लैक बॉल होनी चाहिए और थ्री रेड बॉल्स होनी चाहिए इसका आपको सिलेक्शन करना है तो क्या करना है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन है फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये आपके पास सिक्स है अब फाइव में से टोटल आपके पास ब्लैक जो है वो फाइव है और रेड जो है सिक्स है ओके okay? तो आप देख सकते हैं फाइव में से आपने टू सेलेक्ट करनी है तो यानी कि एन आपके पास टोटल नंबर में आ जाएगा और टू आपका बन जाएगा आर यानी कि जो आपने सेलेक्ट करनी होती है वो आपका आर होता है, है ना तो ये हो जाएगा फाइव सी टू फाइव में से आपने टू का सिलेक्शन करना है और सिक्स में से आपने थ्री का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा एन बन जाएगा सिक्स सिक्स सी थ्री और थ्री का हमने सिलेक्शन करना है ये एन आपके पास सिक्स हो गया आर हमारे पास थ्री हो गया अब दोनों के बीच में एंड का यूज़ हुआ यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि इन विच टू ब्लैक और थ्री रेड अगर और का यूज़ किया होता तो हम यहाँ पर परम्यूटेशन का आपके पास और का सॉरी परम्यूटेशन नहीं अगर यहाँ पे और का यूज़ किया होता तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते तो एंड और और के लिए मैं ये चीज़ बता चुकी है एंड में हमेशा हमारे पास मल्टीप्लाई लगता है देन इसको बस सॉल्व करना होगा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों से एन सी आर इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल ओके ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव में से टू माइनस हो गया आपके पास थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सिक्स फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल सिक्स में से थ्री माइनस हुआ आपके पास हो गया थ्री फैक्टोरियल देन हमने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे फाइव को ओपन करेंगे थ्री तक ओके okay? हमेशा ग्रेटर नंबर को ओपन करते हैं फाइव फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन नीचे आपके पास टू फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा टू इंटू वन में इंटू थ्री फैक्टोरियल आपके पास एज़ इट इज़ रहेगा ये हमारा कैंसिल आउट हो गया इंटू सिक्स फैक्टोल को ओपन कर लेते हैं हम थ्री तक का सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल ओके यहाँ पे हमारे पास थ्री फैक्टोरियल ये वाले थ्री फैक्टोरियल को मैंने ओपन नहीं करा इसको मैं ओपन कर दूँगी थ्री इंटू टू इंटू वन ये आपके पास कैंसिल हो गया फैक्टोरियल नोटेशन आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है देन हमने बस इसको कैंसिल आउट करना है सॉल्व करना है टू टू ज फोर हो जाएगा आपके पास और थ्री टू जिक्स ओके टू से टू कैंसिल हो जाएगा आपके पास तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में सारे पार्ट कैंसिल हो चुके हैं ऊपर हमने बस मल्टीप्लाई करना है फाइव टू ज टेन टेन फाइव ज फिफ्टी एंड फिफ्टी फोर जो आपके पास आप यहाँ पे कर देंगे फिफ्टी फोर जो आपके पास फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड वेज से हम इस हम इसको प्रॉपरली अपने इस चीज को आप देख सकते हैं इतने वेज हमारे पास से निकल के आ गए तो यही पूछा था फाइंड दिटरमाइंड नंबर ऑफ वेज कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके पास टू हंड्रेड नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन आपको क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अट्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेस इफ़ नाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड टू स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बोला गया है इन हाउ मेनी वेज़ कैन अस्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम फाइव कोर्सेज मतलब कितने तरीके से एक स्टूडेंट आपका चूज कर सकता है चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेज यानी कि उसको फाइव फो कोर्सेज उसने लेने हैं ओके okay? उसको चूज़ करना है इफ़ कंडीशन क्या दी है नाइन कोर्सेज आर अवेलेबल आपके पास कोर्स जो अवेलेबल है वो नाइन कोर्सेज है नाइन में से उसने फाइव का सेलेक्शन करना चूज करना यानी कि उसको सेलेक्ट करना है उसने और कंडीशन साथ बोली है, है। में बोलिए टू स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी इसमें से दो कोर्स ऐसे कोर्स बने हैं जो आपने लेने ही लेने हैं जैसे कि हम जब स्टडी करते हैं अपनी क्लासेस में आपने देखा होगा कुछ कोर्सेज हमारे जैसे टेंथ क्लास में कुछ सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी टेंथ के बाद जब हम इलेवेंथ में आते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कोर्सेस हमारे कंपलसरी होते हैं जैसे कोर्स कह लो या सब्जेक्ट कह लो जैसे आप इंग्लिश कह सकते हो कई जगहों पे कुछ और चीज़ें होती है वो हमारी कंपलसरी होती है तो वहीं पे यहाँ पे कंडीशन आपको बोले कि टू स्पेसिफिक कोर्सेज़ आर कंपल्सरी दो स्पेसिफ़िक कोर्स तो आपके कंपलसरी है तो यानी कि टोटल आपके पास देखिए नाइन कोर्सेज है ओके नाइन कोर्सेज में आप देख सकते हैं टू कोर्सेज आपके नाइन कोर्सेस है आपके पास एंड टू कोर्सेस जो आपके पास है वो आपके पास कंपलसरी में आ गए ये आपके पास कंपलसरी है ठीक है ये टू कोर्सेज जो हमारे पास है वो कंपलसरी है अगर ये टू कोर्सेज कंपलसरी है तो नाइन में से टू अगर कंपलसरी तो बचे कितने सेवन कोर्सेज तो सेवन कोर्सेज जो होंगे आपके पास नॉन कंपलसरी में आ जाएगा ये आपके पास सेवन कोर्सेज हो जाएगा सेवन कोर्सेज जो बचे वो हमारे पास नॉन कंपल्सरी में आ गया ओके ये नॉन कंपल्सरी हो गया आपके पास नॉन कंपल्सरी आपके पास सेवन कोर्सेज हो गए और कंपल्सरी हमारे पास टू कोर्सेज हो गए तो आप देख सकते हैं टू का तो हमने अब इसमें हमने यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करेंगे उसका रीज़न बता देती हूँ क्योंकि आपसे बोला इन हाउ मनी वेज़ कैन अ स्टूडेंट चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेज इफ़ नाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड टू स्पेसिफिक कोर्सेज आर कम्पल्सरी फॉर एवरीज स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि उसको टू कोर्स कोर्सेज में भी या तो मतलब जो भी उसने फाइव कोर्सेस जो लेने हैं उसमें चॉइस नहीं दे रखी है और का कंडीशन यहाँ पर लगा ही नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे तो कैसे कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे टू कोर्सेज तो उसके पास कम देखो सी हम लिखेंगे यहाँ पर अगर टू कोर्सेस में देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास जो एन का काम करेगा वो भी आपके पास हो जाएगा तो ये टू सी आर क्या होगा देखो दो कोर्सेस में से उसने दो तो लेने ही लेने हैं ठीक है थीके? टू में उसके पास कोई चॉइसेस बची नहीं दो कोर्स जो कंपलसरी है वो लेने ही लेने हैं तो यहाँ पे एन बी आपका टू रहेगा आर बी टू रहेगा अब लगा देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे क्योंकि टोटल हमने फाइव कोर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है दो कोर्स एंड इसका मतलब एंड दो कोर्स हमने यहाँ ले लिए एंड अदर जो बच गए अदर आप देख सकते हैं टोटल नाइन में से अगर दो कोर्स हमने यहाँ ले लिए जो कंपलसरी है कितने बचे हमारे पास सेवन तो यहाँ पे तो सेवन आपके पास एन सेवन हो जाएगा सेवन सी आर अब आर की बात करेंगे टोटल आपने लेने कितने सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कह लो या कोर्स कह लो फाइव कोर्स को आपने लेना है फाइव कोर्सेस लेने जिसमें से टू तो कंपलसरी है तो बच्चे कितने कोर्स आपके पास फाइव में से टू माइनस हो जाएगा आपके पास थ्री तो ये जो थ्री आप जो कोर्स लोगे वो नॉन कंपलसरी में से चूज करोगे तो यहाँ पे एंड इसलिए लगा क्योंकि टू एंड थ्री टू एंड थ्री कितना टू में अगर आप थ्री प्लस करोगे तो कितना होता है फाइव होते हैं ना तो इसमें और इसमें आगे आपके पास ये एंड आ जाएगा एंड मतलब दो कोर्स आपने यहाँ से ले लिए एंड थ्री कोर्सेज आपने नॉन कंपल्सरी से ले लिए देन बस इसको सॉल्व कर लेते हैं एन सी एन मैंने हमेशा आपको बताया है वन होता है इसकी वैल्यू वन होती है ये तो हमारे पास वन हो गया बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सेवन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सेवन में से थ्री माइनस हुआ फोर फैक्टोरियल हो गया तो ये सेवन को ओपन करेंगे फोर तक का सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन थ्री को ओपन करेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया एंड थ्री टू जा सिक्स टू वन जा टू तो ये हो गया सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव वेज है हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमारा कंप्लीट होता है सारी हमारा आज ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है यहीं पर क्वेश्चन नंबर नाइन के एंड में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चन वन टू नाइन की इस एक्सरसाइज़ के सारे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी आप वहाँ पे से जाके भी इसको देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन कम्प्लीट हो गया देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में